मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं और बूंदाबांदी ने बदला मौसम का मिजाज। यूपी हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर को तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दिल्ली एनसीआर में मार्च के पहले दिन मौसम ने एक बार फिर से करवट लिया है। आईएमडी के मुताबिक अगले दो घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ों पर मध्यम से भारी बर्फबारी होने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद 2 से 3 मार्च को तापमान में कुछ गिरावट होने के आसार है। इस दौरान हवा का रुख भी बदलेगा और बादल भी छाएंगे। उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद 5 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे मौसम में फिर से बदलाव आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से उत्तर भारत के सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 2 से 3 मार्च को तापमान में कुछ गिरावट होने के आसार हैं। हल्के बादल छा सकते हैं। पूरे यूपी से सटे जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद दिनों रात के तापमान में हल्का सा इजाफा होगा। वहीं 5 मार्च को फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे मौसम फिर से बदलने लगेगा। हवा का रुख बदला, छाएंगे बादल। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे हवा का रुख दक्षिण पश्चिम हो गया है। ऐसे में यूपी और राजस्थान में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार है, जिसके प्रभाव से 1 से 4 मार्च के बीच यूपी राजस्थान से सटे इलाकों में मौसम में बदलाव नजर आएगा। इसके गुजरने के बाद 2 से 3 मार्च को तापमान में कुछ गिरावट होने के आसार है। इस दौरान बादल भी छाए रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार है। 5 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में फिर से बदलाव होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही 2 मार्च को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और ओले गिरने की संभावना है। इससे 5 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की और छुटपुट वर्षा होने की संभावना है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4 और 5 मार्च 2023 को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट बारिश बर्फबारी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल, कुल्लू समेत अन्य ऊंचाई वाले भागों में ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ से सफेद हो गए हैं। वहीं शिमला समेत अन्य भागों में बारिश दर्ज हुई है। ताजा बर्फबारी से अटल टनल वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। वहीं गिलोड़ी दर्रा से भी आवाजाही ठप हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के कई भागों में 5 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार है। बुधवार अल सुबह शिमला में बारिश दर्ज की गई। धूप खिलने के साथ बादल भी छाए हुए हैं। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए।